अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपकी जैसा कि इल्म है कि हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं मोल्स एंड स्टोइकोमेट्री का, और इससे पहले आपके साथ हम कर चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। इन दो चैप्टर्स जो हमने पहले किए थे उनके बाद बहुत सारे और भी बेसिक चैप्टर्स किए जा सकते थे, लेकिन हमने कहा कि भाई आपको पढ़ने का कोई यहाँ फायदा भी हो तो उसके लिए बेटा वही तो मोल्स एंड स्टोइकोमेट्री का चैप्टर भी हमने स्टार्ट कर लिया, ताकि आपका कवरेज बेहतर हो जाए और सिलेबस आपका जो है ना सही है। अभी गर्म होगा ठीक हो जाएगा। सही, तो मोल्स एंड स्टोइकोमेट्री का चैप्टर बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। इसके अलावा मोल एक ऐसा टॉपिक है जो जब भी हम क्लास में भी पूछ चुके हैं कई एक्सपर्ट बच्चों से कि भाई मोल में कैसा तजुर्बा है, तो उनका तजुर्बा खराब ही है सबका। इस वजह से यहाँ पर और एक ज्यादा चैलेंज हो जाता है कि भाई बच्चा यहाँ पर जब मोल पढ़ेगा तो कितना उसे समझ में आएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। तो हमने टॉपिक्स को लिस्ट अप किया था और मेरे ख्याल काफी तीन चार जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं हम कर भी चुके हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की कैलकुलेशन से शुरू किया था, फिर वी लर्न हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन एंड मास कंपोजिशन, एंड इन द लास्ट क्लास वी आल्सो टॉक्ड अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। However, ये थोड़ा सा बस इसी पे क्लास खत्म हो गई थी, तो इसी से दोबारा रिकॉल करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला को, जो लोग लास्ट क्लास में मौजूद थे उनके लिए तो आसान है। और उसके बाद वी आर वेरी नियर टू स्टार्ट दी पर्टिकुलर टॉपिक जो मोल्स कहलाता है, तो इसलिए आज हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला से स्टार्ट दोबारा से ले रहे हैं, पूरा रिवाइज नहीं करेंगे, लेकिन वील डू 3 to 4 क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फॉर्मूला के, और उसके बाद हम लोग मोल्स पे चले जाएंगे। तो जो ऑनलाइन आए हैं और जिनको नहीं मालूम है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए बस जल्दी से बता दूं कि हम इस टॉपिक में बेटा इस सब टॉपिक पे आ चुके हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला के सब टॉपिक पर आ चुके हैं। और इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड करके कराया था, अगर आपको याद हो, मैंने इसका केस वन कराया था, केस टू कराया था, और अब हम केस वन और केस टू को कंपाइल करके करेंगे। तो वापस चलते हैं अपनी वर्किंग पर। ये आपके सामने क्वेश्चन हुए हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला के, तो यहीं से आज हम अपना दोबारा रिज्यूम करेंगे, और उम्मीद है कि आप बात समझ पाएंगे। जो बच्चे लास्ट क्लासेस में नहीं भी थे वो भी समझ पाएंगे, बस थोड़ा तसल्ली से अगर तहम्मुल से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आपको कराता हूँ, और उसके बाद उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको रिलेट कर पाएंगे। अरीशा सिद्दीकी की अभी भी हमें आवाज नहीं आई है। अरीशा भाई कौन हो, पहली क्लास ले रही हो, कहाँ से आ गई हो, कोई आवाज नहीं आ रही, बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। चलो बहरहाल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब ऐसे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी दो दो महीने क्लास लेके फिर शार्ट अभी मेरे एक जगह कोचिंग वाले बड़े छिड़े हुए, कह रहे सर आप ऑनलाइन लिए नहीं करेंगे किसी बच्चे। खैर बेटा, बच्चा सवाल लिखेंगे, वही केस टू का सवाल कर रहे हैं, केस टू वाला सवाल दोबारा कंटिन्यू कर रहे हैं। केस टू क्या था, जो नए बच्चे उनके लिए बता दूं कि आपको केस टू में दिया हुआ होगा। क्या था केस टू, यू विल बी गिवन परसेंटेज कॉम्पोजिशन, आपको एलिमेंट की क्या गिवन होंगी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन होंगी, और आपको इसको कन्वर्ट करना होता था किसमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो यही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि लास्ट वीक जो बच्चे मौजूद थे उनसे दरखास्त है कि जब मैं सॉल्व करूंगा तो आपने पार्टिसिपेट करना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बनाना है, सॉरी परसेंटेज कॉम्पोजिशन से बनाना होगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही चीज आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सवाल दोबारा से लिखेंगे सारे एक साथ, लिखिएगा, अ कंपाउंड हैज 50% कार्बन, 50% कार्बन, 20% हाइड्रोजन एंड 30% ऑक्सीजन। अच्छा, जो बच्चों को ये नहीं मालूम है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है या एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, उनके लिए थोड़ा सा इश्यू जरूर हो सकता है, क्योंकि मैं आज के नए टॉपिक तक फिर बेटा आप लोग वेट करें, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल पे बेसिक पे चला गया तो आज की क्लास हमारी निकल जाएगी। जारा नदीम, जारा आप वही बच्ची हो लास्ट क्लास में आई थी। जी सर।
ओ भाई आज तो माइक है क्या भाई, ऑडियोनिक के स्पीकर लगाए में, क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये हुई ना आवाज, ये हुई आवाज। अभी तो आज अभी थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर फुल सिंगिंग कॉम्पिटिशन शुरू कर सकते हैं, ऐसी तेज आवाज आ रही है बेटा। आप ऐसे ही थे कोई हादसे के बाद चार में बची है। चलो 50% कार्बन है, 20% हाइड्रोजन है एंड 30% ऑक्सीजन है एंड यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। बेटा जो नए बच्चे हो ना, मैं जल्दी से आपको सिर्फ वर्किंग समझा सकता हूँ क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ रिकॉल के लिए कर रहे हैं, ठीक है जी। इससे अच्छा ये यहाँ तक की रिकॉर्डिंग आप ले सकोगे तो रिकॉर्डिंग के थ्रू आप कवर कर सकते हो जो भी मिस किया है आपने इस चैप्टर में, मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना 10-12 बार। अब जनाब अली सॉल्यूशन कैसा था, मैंने तुम लोगों को बताया था कि इसका सॉल्यूशन दो स्टेप्स में होता है, बात करने के लिए जिसका इसका सॉल्यूशन कितने स्टेप में करते हैं बेटा, दो। क्या था पहला स्टेप, परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करना होता है, समथिंग कॉल्ड मोल रेशियो। देखो नए बच्चों पुराने बच्चों सब याद करो, परसेंटेज को कन्वर्ट करना होता है मोल रेशियो में एंड वंस यू गेट मोल रेशियो यू कम वेरी गुड यू कन्वर्ट देम इनटू सिंपलेस्ट रेशियो। दो बेसिक स्टेप में सॉल्यूशन है, ठीक है। ये वर्किंग आपको बिल्कुल कंचा पप्पू बच्चा याद होनी चाहिए। तो भाई परसेंटेज से एम्पिरिकल फॉर्मूला तक जाने के दो बेसिक स्टेप्स है जिनको याद है वो कर सकते हैं। परसेंटेज से बनाना था मोल रेशियो और फिर मोल रेशियो को कन्वर्ट करना था सिंपलेस्ट रेशियो में। क्विकली कैसे करना था बेटा, सबसे पहले आप आ जाएंगे मोल रेशियो ऑफ कार्बन निकालेंगे, भाई तीन एलिमेंट्स दिए हैं कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो एक तरफ मोल रेशियो ऑफ कार्बन, एक तरफ मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और एक तरफ मोल रेशियो ऑफ ऑक्सीजन की बात होगी। और कैसे निकालते थे मोल रेशियो, जो परसेंटेज गिवन होती थी उसे हम उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते थे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको अगर हम सॉल्व करने पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 50, जो नए बच्चे हो वो ज्यादा बोलो, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है 50 और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना है बेटा 12, तो 50 डिवाइड बाय 12 कितना हो गया 4.16। दूसरी तरफ आ जाइए, अगर हम निकाल रहे हैं किसका परसेंटेज ऑफ मोल रेशियो ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ 20 है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, तो आंसर कितना आ गया 20 ही आ गया। क्या कोई नई तरीका तो नहीं सिखा रहा, यही सिखाया था बच्चों, हाँ ना बोलो, गुड है, वेरी गुड। उसके बाद जनाबे आली फिर ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी थी 30 और जनाबे आली इसका AR कितना होता है 16, तो 16 30 डिवाइड बाय 1.875। अब ये हमारे पास क्या आ गए ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आ गया, ये हमारे मोल रेशियोज आ गए, क्या आ गए बेटा मोल रेशियो। अब मोल रेशियो के बाद ऑनलाइन में नया बच्चा कोई बता दे, सारिम अब्दुल रहमान राणा अरीशा सिद्दीकी, क्या करना है अब, सिंपलेस्ट रेशियो बनाना है, क्या बनाना है बेटा, और सिंपलेस्ट रेशियो कैसे बनाना होगा कि जो मोल रेशियोज आए हैं उनमें जो सबसे छोटा नंबर है सारे नंबर्स को उससे डिवाइड कर देंगे, व्हिच वन इज द स्मॉलेस्ट फिगर 1.875, तो दिस शिट विल बी डिवाइडेड बाय 1.875, this will also be divided by 1.875 and this will also be divided by 1.875, to kya aayenge answer bataiyega, pehle ka answer 2.2 aa raha hai to round off kar lete hain, maine bataya tha last step mein 2 kar lenge, isme bataiye 10.6 aa raha hai, maine bataya hai bachcho ki is step mein agar decimal mein aayega to round off kar lenge to ye aa jayega 11 aur uske baad 1 aa jayega। to beta online wale bachcho offline wale bachcho kya bana, हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, hence the empirical formula is कार्बन का नंबर कितना है 2, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 11 एंड ऑक्सीजन का नंबर कितना है 1, so C2H11O, is that clear? Yes! आज तो भाई ओवर पंप हुए हैं भाई बच्चे, क्या बात, सिंदन क्या हो गया, क्या खा गए हो, शिकारपुरी अचार खा गया हो क्या बेटा, ऑनलाइन वाले कुछ याद आया तुम लोगों को जो लास्ट क्लास में मौजूद थे, और अब्दुल रहमान राणा तुम पहली क्लास ले रहे हो मेरे ख्याल, तुम्हें वर्किंग को समझना है कि वर्किंग कैसे हो रही है, नबीहाज आईफोन और मनाइम, बात क्लियर है बेटा, यस सर। चलो इंशरा शादमान क्लियर हो गई बेटा बात, जारा नदीम तुमको याद है, यस सर क्लियर हो गई, अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अरीशा जो तुम जो भी हो अगर चैट में जवाब दे सकती हो तो बिल बहुत अच्छा हो जाएगा। चले बेटा एक सवाल और करेंगे, एक सवाल आपकी मोहब्बत में और करेंगे और फिर चलेंगे अगले, ठीक है जी। अब चलेंगे अगले टॉपिक की तरफ जो हमने असल में मेजरली करना है मेरे बच्चों, नहीं सात केसेस नहीं कहा, मैंने कहा सात स्टेप में बना सकता हूं, बना के दिखाऊंगा। चलो अब देखो तवज्जो से, अरीशा सिद्दीकी कह रहे जी सर, भाई जी सर नहीं आगे पीछे भी तो बताओ क्या कर? अच्छा चले जी अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहते हैं भाई अब स्टेप उम्मीद है सबको समझ में आ गया, दो स्टेप की गेम है और कोई मुश्किल नहीं है, क्या भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया, अ कंपाउंड कंटेन्स लेट्स से 50% नाइट्रोजन एंड 50% हाइड्रोजन,
50% नाइट्रोजन एंड 50% हाइड्रोजन, और इसका क्या निकालना है हमें, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। फिर वही वर्किंग है, क्या है वही वर्किंग, परसेंटेज टू मोल रेशियो और मोल रेशियो टू सिंपलेसिटी। जल्दी से कर ले, शाबाश। नाइट्रोजन 14, तो पहले आप MR ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे बच्चों, वेरी गुड, MR ऑफ नाइट्रोजन एक तरफ निकाल लेंगे, एक तरफ निकालेंगे MR ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर आप करेंगे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन को डिवाइड AR ऑफ नाइट्रोजन से, यहां करेंगे परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को डिवाइड AR ऑफ हाइड्रोजन से। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी है बच्चों, 50 डिवाइड बाय 14 हो जाएगा, और ये आ रहा है 50 डिवाइड बाय 1, एक मिनट रुक जाओ, तो यहां क्या आ रहा है बताओ, 3.57, और यहां कितना आ रहा है 50 आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड कौन किससे होगा, 3.57 divided by 3.57 and 50 divided by 3.57, क्या अलग अलग स्टेप सिखा रहा हूँ हर जगह, एक ही स्टेप सीख लिया ना हमने, कोई मसला परेशानी दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई हलीमा बेटा, आप मैक्सिमम 3 लेंगे, वैसे 2 से भी काम चल जाएगा। हाँ भाई आमना, ये सब कैपिटल में लिखना है, एनएच वगैरह। ऑनलाइन वालों सबको क्लियर है? यस सर। चलो गुड हो गया। जैन समझ में आ गया, जैन नाम है ना आपका, नजीर समझ में आ गई बात? अच्छा हो जाते हैं तो फिर जैसे उसका आमना देखो चाह कर भी हट नहीं रहा दिमाग से, और सिंधन का याद ही नहीं होके दे रहा कम वक्त। चलो आगे चलते हैं मेरे बच्चों, मेरे नो निहाल हो नन्हे काक हो मेरे बच्चे। अब केस वन जो हमने किया था, केस वन, ये तो केस टू था, केस वन और केस टू को जोड़ के करा रहा हूं, केस वन और केस टू को जोड़ के करा रहे हैं, यानी कि अगर आपको याद हो ये केस थ्री कह देता हूं मैं इसको, यानी कि अब तक के क्वेश्चन में सबसे लेंदी क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। और केस थ्री का मतलब क्या है, आपको दी भी होगी परसेंटेज, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से आप पहले बनाओगे क्या, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जैसे अभी हम बना रहे थे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन से बनाओगे क्या। और फिर केस वन में क्या सीखा था कि अगर एम्पिरिकल हो तो क्या बना लेते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेटा जो पिछले पिछली क्लासेस में नहीं थे वो शायद रिलेट ना कर पाए, अभी मेरी वर्किंग से रिलेट कर पाएंगे। हमने पहले एक केस वन किया था जिसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन होता था और क्या निकालना होता था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बड़ा सिंपल सा केस था, वो फॉर्मूला लिखवाया था। और दूसरा केस हमने किया था कि परसेंटेज से एम्पिरिकल, तो अब अगर दोनों को जोड़ दें तो परसेंटेज से डायरेक्ट मॉलिक्यूलर नहीं जाते हम लोग, क्या करते हैं, परसेंटेज से पहले एम्पिरिकल पे जाते हैं और एम्पिरिकल फॉर्मूले से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर जाते हैं। जी 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 जाहिर सी बात है, सवाल लिखेंगे इसका, अ कंपाउंड कंटेन्स, शाबाश सवाल लिखिए बेटा, अ कंपाउंड कंटेन्स 40% कार्बन, 15% हाइड्रोजन, 15% हाइड्रोजन, 50 के लिख दिया मैंने, 15% हाइड्रोजन एंड 45% ऑक्सीजन, इट्स मॉलिक्यूलर मास MR, its molecular mass is, its molecular mass is twice of its empirical mass, its molecular mass is twice of its empirical mass। कैसे लिखा है देखो मैंने उसको, molecular mass is twice of empirical mass, कैसे लिखा, MR which is molecular mass is equal to 2 times of empirical mass, ये मैंने जिब्राइल ने बताया, ये सवाल में मौजूद है, its molecular mass is twice of its empirical mass। अब आपसे कहता है find what molecular formula। तो मेरे बच्चों सवाल का पहला हिस्सा वैसे ही जैसे हमने पिछले 2 questions किए, अगले हिस्से में जिन्होंने अटेंड नहीं किया था लास्ट लेक्चर उनके लिए नई बात होगी, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या स्कीम है अरीशा, स्कीम ऑफ फ्लो क्या है, कि सबसे पहले हम परसेंटेज को किसमें कन्वर्ट करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला में, और कैसे करते हैं अभी तो हमें पता है, तो पहले वेरी गुड, पहले पहला हिस्सा कर लें, फर्स्ट पार्ट पहले कर लीजिए, परसेंटेज से क्या बना लीजिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला।
पहले पार्ट में तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी, क्या करना होगा? 12 एम आर ऑफ कार्बन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? 40 डिवाइड बाई 12 से. एम आर ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा? 15 डिवाइड बाई 1 से. और एम आर ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे 45 डिवाइड बाई 16 से. क्या आंसर आ रहे हैं बेटा? पहले का है 3.33, दूसरे का आएगा 15, 2.81 ले लिया, बस ठीक है, तीन दिन ले लिया है, दो दो ले लो. उसके बाद फिर क्या होगा, सबको किससे डिवाइड कर देंगे? 2.81, इसको भी डिवाइड कर देंगे 2.81, और इसको भी डिवाइड कर देंगे 2.812 से. क्या आ जाएगा? 3.77. अगला स्टेप में चले गए सिंपलेस्ट रेशो में. क्या आ जाएगा बेटा डिवाइड करके? पहले का क्या आ रहा है? 1.18 आ रहा है, यानी अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर देंगे तो 1 आ जाएगा. यहां पर बताइएगा 5.3 आ रहा है, तो 5.3 का मतलब क्या हो गया बच्चों? 5.3 का मतलब अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ हो जाएगा 5 में, और यहां पर तो आ जाएगा 1. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? ऑनलाइन वालों बेटा पार्टिसिपेट करो, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? शाबाश. C1H5O1 CH5O. क्या यहाँ तक सबको बात समझ में आती है? अब्दुल रहमान राणा, सारिम जब्बा, शादमान, नबीहा. यस सर. यस सर. ओके. आज बच्चे कम है ना, चलें यहाँ तक बात समझ में आ गई. उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालते थे? तो अगर तुम्हें याद हो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए भी, मैं यहाँ पर नए बच्चों के लिए बता दूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की स्टेपिंग क्या थी. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या होता था कि पहले आप एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन होता था, आप एन निकालते थे, और फिर एन के बाद आप क्या निकालते थे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो यहाँ भी कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे बेटा? दो ही स्टेप्स इन्वॉल्व होते थे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको आगे एम्पिरिकल फॉर्मूला तक पहुंच गए ना हम लोग. अब हम क्या निकालेंगे? एन. और एन से फिर क्या निकाल लेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लेंगे. अब सवाल है कि बच्चों के ध्यान में आ रहा होगा एन क्या होता है, तो याद कीजिएगा एन क्या होता था? एम आर अपॉन ई आर, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास. तो मॉलिक्यूलर मास सवाल में गिवन था कितना था? 2 ER. कितना गिवन था? ट्वाइस ऑफ ER. आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दें, ER अपॉन ट्वाइस ऑफ ER, ER CR क्या हो गया? कैंसिल. तो एन कितना आ गया बेटा? 2. एन कितना आ गया? सवाल में उसने कहा था, दोबारा देख लीजिए, मैथ्स नहीं पढ़ते हो क्या तुम लोग? वेरिएबल पुटिंग नहीं सीखी तुमने भाई? उसने कहा था मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड जो है वो ट्वाइस ऑफ एम्पिरिकल मास है, जिसको हमने डेटा में लिख लिया था MR is equal to 2 ER है, यही कहा था ना उसने. तो अब हमने जब MR upon ER का फॉर्मूला लगाया, तो MR की जगह हमने क्या वैल्यू डाल दी? 2 ER. MR की जगह वैल्यू क्या डाल दी? 2 ER. अब उसमें सिंबल में ER CR क्या हो गया? मैथ्स में है ना भाई, 2x upon x हो तो xx क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो n कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया. यस और नो? अब उसके बाद जब n निकाल चुके होते हैं तो हम क्या निकालते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. और नए बच्चों के लिए बताते थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन. एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था ऑनलाइन वालों? CH5O. और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? एन की वैल्यू 2 है. क्या होगा? इधर भी मल्टीप्लाई होगा. ज़ारा समान बात समझ तो नहीं आ रही बेटा? और इधर भी मल्टीप्लाई होगा. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? C2H10 और O2. C2H10O2. C2H10O2. जी अरीशा, जारा, अब्दुल रहमान, इंशरा, मनाइम, सारा सुल्तान, सारिम जब्बार. जी सर, समझ आ गया. सर आसान है बहुत. मोमेंट चेक करें, आसान है बहुत. क्या बात है भाई, क्या बात. चैलेंज, एक सवाल इसका और करेंगे और फिर नए टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि हमने ये किए हुए हैं ना भाई. ये तो मैं दोबारा रिकॉल कर रहा हूँ, ये तो कर लिए हमने. तो बेटा इसका एक अदद सवाल, एक और चुनना सा सवाल करेंगे और उसके बाद आगे बढ़े. चलें यार, ये अरीशा कौन है? अरीशा तुम अपने बारे में बताओ भाई, तुम वर्ज वाली बच्ची हो या कोई नई स्टूडेंट, और कहाँ से आ गई अचानक से भाई? मेरा लिंक कोई सारी क्लासेस लिए हैं हमारे साथ. अरीशा ने ली है क्लासेस? जी सर. कौन है जो उसकी उसमें बता रही है? इंशाल्लाह. या अरीशा कौन है भाई? अरे ये ऊपर तो भाई, ये क्या, मैं क्या गजरी हो गया? मुझे क्या आदमी आ रहा, कौन है अरीशा भाई? ये सर मैं फर्स्ट मेरी ऑनलाइन क्लास है, मैं तो सुबह में आती हूँ ना बारिश में.
इतनी भाई से कौन से सर ये सबसे आगे बैठी है वो अच्छा ठीक है बेटा शुगर इस बच्चे ने बोल पढ़ने नहीं आ रहा चलो नहीं नहीं क्लास में बहुत पढ़ चलो बेटा अगला सवाल करेंगे यार उमर ये क्या बदतमीजी है यार उमर नाम है तुम्हारा अच्छा ये बताओ पिछली क्लास को भाई पहली क्लास थी मैंने तुम्हें आने दिया कि तुम्हें क्लास का टाइम पता नहीं होगा आज भी तुम उसी टाइम पे आ रहे हो क्या वजह है मुस्कुरा रहे हो अबे जवाब दे भाई अरे ये कौन सा टाइम है सोने का पिछले कभी ये बोला था इसने पावर नैप लेते हैं ना सर ये बैठ जाओ चलो भाई लास्ट क्वेश्चन उसके बाद मोल्स का टॉपिक फाइनली हम बाकायदा इसकी शुरुआत करेंगे फुल अभी सेरेमनी होगी ओपनिंग सेरेमनी चलो लिखो भाई अगला सवाल लिखो लास्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला का उसके बाद हमारे टॉपिक डन एंड डस्टेड है फिर हम चले जाएंगे मोल्स पर और फिर अगले दो हफ्ते मोल्स ही चलता रहेगा चलो लिखो क्वेश्चन लिखो भाई क्वेश्चन लिखो अ कंपाउंड सॉरी आई भूल गया ना भाई अ कंपाउंड अच्छा वो याद दिला दिया मोबाइल में A compound has 10% hydrogen. 2% हाइड्रोजन ठीक है 2% हाइड्रोजन 34% सल्फर 34% सल्फर एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमेनिंग परसेंटेज का मतलब क्या हो गया टोटल परसेंट 100 है ना तो माइनस करके आप निकाल लोगे एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परसेंटेज उसने दिया नहीं है डायरेक्टली कैसे निकालोगे 34 प्लस 2 कितना हो गया 36 तो 36 है इन दोनों का परसेंटेज बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा किसका होगा ऑक्सीजन का होगा ठीक हो गया अब इस पूरा सवाल तो लिख लो फिर इट्स मॉलिक्यूलर मास इज थ्राइस ऑफ इट्स एम्पिरिकल मास its molecular mass is thrice of its empirical mass yani three times of its empirical mass find out molecular formula theek hai bhai beta ye shakle to itni manush nahi banao kaam karo na to itni depressing shakle kyun banate rehte ho to karo na lag jao to baithi hui tum karke तुमसे बड़ी उम्मीद है हमें ऐसे और लोग भी बोलते हैं चलो बात बताऊंगा पहले लिखो इस सवाल सॉल्व करो बेटा शाबाश हाँ भाई आंसर आ गया सल्फर का सर क्या हो रहा है यार 32 क्या करेंगे बेटा एक तरफ क्या निकालेंगे बोलते जाओ एमआर ऑफ हाइड्रोजन फिर क्या निकालेंगे एमआर ऑफ सल्फर फिर क्या निकालेंगे एमआर ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे 2 डिवाइड बाय 1 यहां पर हो जाएगा 34 डिवाइड बाय 32 और यहां हो जाएगा कितना हो रहा था ये 64 डिवाइड बाय 16 भाई ये तो हमने सीखा था ना भाई उमर उस्मान क्या नाम है तुम्हारा एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीख के गए थे परसेंटेज से क्या करते हैं परसेंटेज को एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते हैं तो यहां आंसर आ जाएगा 2 यहां क्या आंसर आ जाएगा बेटा 1.06 और यहां क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा उसके बाद आपको सबसे छोटा नंबर कौन सा नजर आ रहा है 1.06 तो तीनों को आप डिवाइड कर देंगे 1.06 से आंसर बताइए ये अप्रोक्सीमेटली 2 ही आ जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 4 ही आ रहा है तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बेटा हाइड्रोजन 2 सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4 यस और नो तवज्जो भाई ऑनलाइन में 10 बच्चे मौजूद हैं 10 के 10 को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है यस सर आ रही है अब मेरे बच्चे तवज्जो फिर एम्पिरिकल फार्मूला के बाद क्या गेम होती है मॉलिक्यूलर फार्मूला की वो केस 1 में हमने किया था तो एम्पिरिकल फार्मूला के बाद पहले क्या निकालना होता है फिर n कैसे निकालते हैं mr अपॉन अरे बोलो यार mr अपॉन er mr की वैल्यू कितनी दी हुई सवाल में उसने
थ्राइस ऑफ एन एम्पिरिकल मास, तो आपने लिखा थ्री ई आर अपॉन ई आर, तो ई आर से ई आर क्या हो गया कैंसिल, क्या आ गया एन, एन आ गया थ्री। उसके बाद फाइनली क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर कैसे होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय एन, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था H2SO4 मल्टीप्लाई बाय थ्री, तो सबसे कर दो तीन को, तीन को जरब दे दो सबसे, तो क्या आ जाएगा H आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा सल्फर थ्री, और क्या बात है भाई, क्या बात है, समझे भाई जी ऑनलाइन वालों, यस मेरे बच्चे, that's it from molecular formula and empirical formula। अच्छा एक बात इससे पहले कि मैं आगे बढ़ना बता दूं, देखो एक बात याद रख के चलो कि एंड में ना फरवरी के बाद तुम्हें बहुत मौका मिलेगा कि मैं कभी सर आज ये चैप्टर रिवाइज करा दें, और मेरे मूड पे बहुत डिपेंड करता है, बिकॉज उस पार्ट में हम लोग प्रैक्टिस को ज्यादा फोकस करेंगे, होमवर्क वर्कशीट काम टेस्ट, आप टेस्ट दे देंगे पागल हो गए, लेकिन लेकिन बात यह है कि उस वक्त भी रिवीजन हो जाता है, लेक्चर रिकॉर्डिंग भी मौजूद होती है, और इसके अलावा मैं भी अक्सर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बार बार रिपीट कराता रहता हूँ, लेकिन मोज एक ऐसा टॉपिक है ना जो एक गो में होता है, क्योंकि देखो लेक्चर बेस्ड जो टॉपिक है ना उसको तो खड़ा होकर टीचर दो सेक्शन में रिवाइज कर देगा, लेकिन ये तो प्रैक्टिस है, तो इसका मतलब अगेन वी हैव टू स्पेंड दैट मच टाइम, तो मोज बस एक गो की गेम है, एक गो में हुआ तो हुआ वरना नहीं, तो अगर आपको अब तक समझ में आ रहा है उधर से जवाब आसान है, तो वो जो इस तरह का कॉन्फिडेंस है अच्छी बात है, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और ये ओवर कॉन्फिडेंस कब नहीं होगा, जब तुम प्रैक्टिस से इस बात को एविडेंट करो कि तुमने इतनी इसकी प्रैक्टिस की है कि जो तुम इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से गलत नहीं करोगे। अब जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि क्वेश्चंस भेजूंगा ग्रुप पे और फिर जहन से निकल गया, तो आज अभी ये आपकी क्लास खत्म करके ग्रुप पे क्वेश्चंस डाल दूंगा, तो 100 के आसपास इसके क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो आपको कल छोड़ परसों यानी वेंसडे को जब आप आएंगे तो सबको ये पूरा करके लाना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जी हाँ 100 सर 100 कैसे करें चले जी मेरे बच्चे, फायदे ये चीज हो गई, अब समझ लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूले में इतना ही है, अब इसमें दूसरी बात सुनो इसमें बेटा, दूसरी बात क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला में तुमने दो चीजें पढ़ी, या तुमने पढ़ा एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर कैसे बनता है, और अगर एम्पिरिकल भी गिवन ना हो तो परसेंटेज से एम्पिरिकल कैसे बनता है, मेरे बच्चे कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, और वो परसेंटेज नहीं देता, मैंने काम करना है बोले परसेंटेज नहीं देता, बल्कि परसेंटेज की जगह बच्चों मासेस दे देता है, क्या दे देता है मास, आपको बजाय सवाल यूं शुरू करे कि भाई इस कंपाउंड में इतने परसेंट कार्बन है इतने परसेंट हाइड्रोजन है, वो आपसे कहता है इस कंपाउंड में इतने ग्राम्स हाइड्रोजन है इतने ग्राम्स कार्बन है इतने ग्राम्स ऑक्सीजन है, मेरे बच्चे सवाल में कोई फर्क नहीं है, आपको परसेंटेज की जगह अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की परसेंटेजेस गिवन थी उसकी जगह अगर वो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट की क्या दे दे मासेस दे दे, सवाल यूं शुरू कर ले कि एक कंपाउंड है जिसमें 10 ग्राम हाइड्रोजन है 20 ग्राम ये है 30 ग्राम ये है, तो कोई फर्क नहीं आएगा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे ये जीसीएसई में तो कभी भी नहीं आया, लेकिन आईजीसीएसई में बड़ा कॉमनली आता है तो वहां तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जब आप जो है आपके पास इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाएगा आप बोलेंगे सर ये तो ग्राइंड कराए, कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल वैसी क्या होगा मासेस गिवन होंगे उनको आप एआर से डिवाइड करोगे मोल रेशियो आ जाएगा, और फिर मोल रेशियो से सिंपलेस्ट रेशियो, क्या बताया मैंने कहीं लिख भी लेना कि इस टॉपिक में परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स की तरह साथ-साथ आगे मासेस भी दे सकता है, ठीक है परसेंटेज जहां लिखा है ना वहां पर लिख लो स्लैश करके कि मासेस ऑफ एलिमेंट भी दे सकता है, बिल्कुल वैसे ही करना कोई फर्क नहीं, ग्राम दे दिया भी होगा फिर परसेंट करोगे कन्वर्ट कर देंगे नहीं करेंगे बस ऐसे ही करेंगे एज इट इज, कि जनाब अगर उसने आपको कहा से जैसे आपको सवाल जैसे यहां पर सवाल था 2% हाइड्रोजन उसके लिए वो कहेगा 2 ग्राम हाइड्रोजन वही 2 ग्राम हाइड्रोजन है 34 ग्राम सल्फर है और जो है वो 64 ग्राम ऑक्सीजन है, लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही करेंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस याद रखिए कितने मार्क्स आता है 4 नंबर बस इतनी बात है, क्लियर हो गई बात, टाइम एक क्वेश्चन भी डेढ़ मिनट बहुत है जी, गुड फॉर वर्क जी सर ये ऊपर कर लेंगे, हाँ जी हाँ
बेटा ऑनलाइन वालों को ये बात समझ में आ गई जो मैंने आखिरी में बताई है? यस सर। चलो मैंने क्या कहा भाई, एक बार फिर कह देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि सवाल में आपको जहां पर परसेंटेजेस प्रोवाइड करता है वहां परसेंटेज ना दे, बल्कि वहां पर आपको कह दे एक कंपाउंड है उसमें इतने ग्राम्स ये एलिमेंट है, इतने ग्राम्स ये एलिमेंट है, इतने ग्राम्स ये एलिमेंट है, तो वो बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस ये बात आपको बताने की गलती कर दी मैंने, ठीक है जी। मेरे बच्चे इट्स टाइम टू मूव ऑन, एंड अब हम लोग मूव कर रहे हैं। देखो अब अगर तुम लोग आपस में बात करोगे ना, मैं क्लास से बाहर निकलूंगा, मुझे चीज बहुत इरिटेट कर, ऑलरेडी हमारी क्लास में बातचीत होती रहती है, क्या जरूरत है तुम मुझसे पूछो ना यार, और तुम भी खास तौर। मेरे बच्चे अब हम लोग इस चैप्टर के उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, जो टॉपिक हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है आगे तक, और इस टॉपिक के अभी हम जो है ना वो बेबी वर्जन से स्टार्ट कर रहे हैं। ये टॉपिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। अब जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल्स का, फाइनली मोल्स का टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है, ये टॉपिक आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसमें ऐड करते जाएंगे चीजें, ऐड करते जाएंगे। क्यों नहीं हम डायरेक्ट एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं मोल्स का, फिर आप भी वही कहेंगे सर मोल्स तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आपका फीडबैक और आपकी अंडरस्टैंडिंग मोल्स को लेकर बहुत आसान हो जाए, वो इसके लिए जरूरी है कि आप जो है उसको स्टेप बाय स्टेप करें। और हमने अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जाएंगे तो मैंने आपको वहां बताया था कि मोल्स के टॉपिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया। अगर आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव में चले मेरे साथ तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में मैंने लिखाया था कि मोल्स, देखिए अगर आपको याद आ जाए कहां गया भाई, मोल्स, हाँ मोल्स विदाउट इक्वेशन और मोल विद इक्वेशन। असल में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना मोल का, असल में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मोल का वो विदाउट इक्वेशन आता है। भाई मैं किससे बात कर रहा हूँ, आपसे कर रहा हूँ ना, फिर असल में जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मोल का वो इक्वेशन के साथ आता है या इक्वेशन वाला होता है या जिसको लेकर मोल्स की दहशत है वो ये वाले क्वेश्चन है। ऊपर वाले क्वेश्चन था, अच्छा होता क्या, ऊपर वालों की सही से प्रैक्टिस और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसलिए वो जब यूज करने की बारी आएगी नीचे तो आपको यूज करना ही नहीं आ रहा होता। इसलिए मेरे बच्चों हम शुरू बिल्कुल बेसिक से करेंगे, मोल्स विदाउट इक्वेशन, इसको सिंपल मोल्स कहते हैं। और यहाँ तुम मेरे साथ सीखोगे कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, कैसे आपको पता चलेगा कि डेटा क्या गिवन होगा तो कौन सा फॉर्म लगेगा, डेटा क्या गिवन होगा तो क्या कौन सा फॉर्म लगेगा। तो इस टॉपिक के अंदर आपकी प्रैक्टिस हो रहा है, इस टॉपिक के अंदर मोल्स वाले विदाउट इक्वेशन में आप अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे क्लास के अंदर, 10 PG करेंगे, 200-250 क्वेश्चन आप घर पे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे मोल्स विद इक्वेशन पर, ठीक है जी। तो मेरे बच्चे अब आप बड़ी सी हेडिंग लगा लीजिए, मोल्स स्टार्ट होने जा रहा है फाइनली, इस चैप्टर का मेजर टॉपिक मोल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेरे बच्चों तो मोल्स की हेडिंग लगा लो, टॉपिक मोल्स का अब स्टार्ट हो रहा है बेटा। सारे बच्चे हेडिंग लगा लो मोल्स की, जी सर मेरी क्लास की बच्ची है वैसी बिठाना है, बहुत जल्दी आ रही बच्ची, आ जाए यार इस बच्चे का भी कुछ करें, सो जाता बेचारा उस्मान, कुछ रिमाइंडर भेज दिया करें क्लास का, बैठो भाई बैठो, कौन है बच्चा, चले जी। यार तुमने बड़ी कोई ना टाइम पे एंट्री ली, क्योंकि अभी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो भी तुमने सुना हुआ टॉपिक है मोल्स का, बैठो जल्दी से। क्या नाम है तुम्हारा, क्या माजिन, चलो भाई माजिन कौन से स्कूल के हो, शुक्र है भाई शुक्र है, तुमने नहीं कहा हॉरिजॉन के, तुमने नहीं कहा कि वो कौन सा स्कूल है हॉरिजॉन के अलावा, जहां से एंकरेज और हॉरिजॉन वाले नहीं हो। चलो मेरे बच्चे अब हम लोग डायरेक्टली मोल्स के ऊपर बात करते हैं। अच्छा नॉर्मली जब स्कूल में मोल्स पढ़ रहे होते हैं, आप कभी मोल्स पढ़ रहे होते हैं तो यू नेवर टॉक अबाउट मोल्स क्या है। अच्छा भाई मोल्स का चैप्टर चल रहा है, इसमें एक हिस्सा करा दिया मैंने, अब मोल्स अभी स्टार्ट होगा, ठीक है, तो डायरेक्टली यही होगा। तो भाई अब ऑनलाइन वाले तुम लोग भी जरा कान खड़े करो, तो होता क्या है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट सिनेरियो कि मेरे पास जब कोई बच्चा आता है, जैसे अभी आप बैठे हैं, अगर आप चाहें तो मैं अभी आपसे पूछ लेता हूं और पता चल जाएगा कि कौन कितना पानी है, कि मोल्स का टॉपिक जब शुरू होता है तो टीचर स्टार्ट्स विद फॉर्मूला, कि भाई ये फॉर्मूला यूं लगा लो साथ से निकल जाएगा। जबकि क्या हमने जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा तो मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन करा दी, समझाया पहले के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि ये समझना जरूरी है भाई, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग उस वक्त होगी जब पीछे कॉन्सेप्ट भी समझ में आता हो। तो मोल्स के अंदर एक प्रॉब्लम क्या होता है बच्चों को, अगर पूछ लिया जाए एक्जैक्टली कि मोल होता क्या है, बस वहीं पर आ दिया तो वही खुश हो जाती है, खुश हो जाती है। तो इसलिए क्लास के टाइम कम है, लेकिन हम पहले भी बात करेंगे मोल्स क्या होता है, फिर आएंगे उसकी कैलकुलेशन और फॉर्मूला की तरफ, ठीक है। और देखो एक और बात है कि मोल्स के टॉपिक में एक बड़ा सिग्निफिकेंट मसला क्या होता है कि इस टॉपिक में इतनी ज्यादा वेरिएशंस हैं जो मैंने शुरू में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखी है, वो सारी लिख दी है मैंने। होता क्या है कि अगर आप सारी ना पढ़े ना तो जो आपने नहीं पढ़ी वो आपसे नहीं हो सकती, और होता क्या है उसमें कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आप बोलते हो इतना तो सबने प्रैक्टिस कराया था लेकिन फिर भी ये सवाल नहीं हो रहा हमसे,
क्यों? क्योंकि वो वाली वैरायटी आपने पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि मोल्स की जो अलग अलग वैरायटी हम लोग करेंगे क्वेश्चन में वो अलग अलग फॉर्मुलों से अलग अलग मेथड से होंगी, तो इसलिए इस चैप्टर में पूरा पढ़ना जरूरी है और फिर पास पेपर और जो प्रैक्टिस शीट में दूंगा वो करना जरूरी है। बहरहाल तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोल्स क्या होता है। देखो मोल को मैंने और तुमने डिफाइन नहीं किया, मोल को डिफाइन किया था एवोगैड्रो ने। तुम लोगों ने स्कूल में नाम सुना होगा, एवोगैड्रोस नंबर सुना है। एवोगैड्रो एक केमिस्ट था, फिजिसिस्ट था एवोगैड्रो, और उसने मोल का कॉन्सेप्ट पेश किया। सबसे पहले सवाल पैदा होता है कि मोल का कॉन्सेप्ट पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी से बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ फॉर्मूले तक पहुंच जाओ, लेकिन अगर समझ में ना आए तो मुझे बता दो। अब इधर बोलिएगा, अभी अटेंशन चाहिए, अभी ऑनलाइन की तुम लोग भी अगर नीचे देखते रहोगे तो फायदा क्या। तो जरा समझो बच्चा मोल्स क्या है। एवोगैड्रो को मोल्स का कॉन्सेप्ट पेश करने की जरूरत क्यों पड़ गई? देखो मोल ना रिप्रेजेंटेटिव है क्वांटिटी का। पहले तो यहां से कॉन्सेप्ट पर बिल्ड करते हैं कि जिस तरह आप क्वांटिटी को, जब किसी भी चीज की अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो आप अमाउंट को कई तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अमाउंट अगर आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं तो अमाउंट को आप लीटर में मेंशन कर रहे होते हैं कि भाई सवा लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूं, 2 लीटर 1.5 लीटर 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूं। आप जब घर में आटा चीनी चावल लेकर आ रहे होते हैं तो अमाउंट को किलोग्राम में मेंशन कर रहे होते हैं, वहां तो लीटर में कि आज 2 लीटर चीनी लेकर आ गया, अम्मी ये 4 लीटर आटा लेकर आया, ये तो नहीं होता ना। क्या होता है? 4 kg होता है। तो आपने क्या देखा कि जब वो आटा और चीनी लेकर आ रहे हैं तो किलोग्राम से बता रहे हैं। जनाब अली जब वो सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, दूसरी लेकर आ रहे हैं, अभी 2 लीटर का डब्बा दे दो, 3 लीटर का डब्बा दे दो, 1.5 लीटर का, तो वहां पर अलग यूनिट चल रहा है। तो अमाउंट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। सबसे पहले समझ लें डिपेंडिंग कि आप किस चीज की अमाउंट की बात कर रहे हैं, अमाउंट को मेजर करने के अलग अलग, ये कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा समझा रहा हूं मैं, लेकिन अगर बात समझ में आ गई तो पैसे वसूल है। कि अमाउंट को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर आप आटा चीनी चावल ले रहे हैं तो आप किलोग्राम से बात कर रहे थे, और इसी तरह जब आप कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, जूसेस लेकर आ रहे हैं, किसी बात हो रही है लीटर की, और आप कह सर ये 2 ही 2 नहीं, इसके अलावा भी बताता हूँ आप, हाँ जी अंडे ले, वेरी गुड, अंडे लेकर आ रहे हैं, वहां क्या बोलते हैं 2 किलो अंडे दे दे, क्या बात होगी, डजन दे दे, हाफ डजन दे दे, डजन दे दे, वहां डजन का यूनिट आ गया, वो भी अमाउंट का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, जरा कनेक्ट करना। इसी तरह अगर आप वो सोने की दुकान पे चलेगा सोनार, वो क्या बोले 2 किलो सोना दे दो, है नहीं 2 किलो सोना तो बहुत ही ज्यादा होता है, आज भी सोना बहुत महंगा हो गया। आप वहां पर ग्राम्स मिलीग्राम कैरेट से बात करते हैं, सुनो कि भाई ये 24 कैरेट वाला निकाल दो, 24 कैरेट ठीक है ना, और कितना जी 10 ग्राम भी, 10 ग्राम की हैसियत है, 10 ग्राम वाला निकाल दो, वहां पर ग्राम में आ जाते हैं, किलोग्राम में बात होती नहीं है, समझ लो। तो ये समझाने की बात क्या है कि अमाउंट का यूनिट में डिपेंड करता है कि आप किस चीज की अमाउंट की बात कर रहे हैं, वहां के लिहाज से सूटेबल होता है। अब होता क्या है, यहाँ से बात समझ आ गई मुझे, फील हो रहा है, बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, अमाउंट का ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अमाउंट कैन बी मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स डिपेंडिंग कि आप किस चीज को मेजर कर रहे हैं। अब जब हम एटम या मॉलिक्यूल या कंपाउंड की बात करते हैं तो ये तो बहुत ही छोटी चीज है, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड, ये तो मतलब एज अ सिंगल यूनिट, इस तरह ऑब्जर्वेबल यूनिट के तौर पर एग्जिस्ट नहीं कर गया। अगर मेरे पास एक ग्लास पानी है तो एक ग्लास पानी में करोड़ों मॉलिक्यूल है ना, करोड़ों कंपाउंड है पानी के, यस नो, इंडिविजुअल हैसियत में तो वाटर बहुत ही छोटा है। इंडिविजुअल हैसियत में अगर कोई भी कंपाउंड आप लेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल लेंगे, तो वो तो बहुत ही छोटा है, इतना छोटा कि उसकी क्वांटिटी को ग्राम में बताना या उसकी क्वांटिटी को लीटर में बताना या उसकी क्वांटिटी को किसी भी बड़े यूनिट में बताना बहुत ही मुश्किल काम है, और कोई उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, बात समझ आ रही। तो एवोगैड्रो को क्या कीड़ा काटा, एवोगैड्रो ने, अब समझे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, यानी जब हमें अमाउंट को स्टडी करना था तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वाटर का कितना मास होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, तो आप कहेंगे सर हमने पढ़ा हुआ है 18 ग्राम होता है। तो अब मैं अगला सवाल करूंगा, क्या एक वाटर 18 ग्राम का हो सकता है, सोचो तुम कहोगे हाँ, ये तो लॉजिकल नहीं है, एक वाटर 18 ग्राम का हो नहीं सकता, तो ये गेम चल क्या रही है, क्या गलत पढ़ा रही है तुम्हें, जरा समझो मेरे बच्चे। एवोगैड्रो ने क्या किया, एवोगैड्रो ने कहा कि एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल, एक अकेले की कोई हैसियत नहीं है, एक अकेले की कोई हैसियत। उसने क्या कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि जब हम क्वांटिटी पे, क्वांटिटी ऑफ एटम्स, क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल, क्वांटिटी ऑफ कंपाउंड्स की बात करेंगे ना, तो पहले तो जरूरी है कि इसकी हैसियत को बड़ा करके बड़ा बनाया जाए, इसकी हैसियत को इतना बड़ा किया जाए कि क्या हो जाए, सिग्निफिकेंट। तो उसने एक लंबी चौड़ी कहानी है इलेक्ट्रोलाइटिक कैलकुलेशन, भारत उसने उस सारी अपनी वर्किंग करके मोल की इंडिविजुअल मोल क्या मॉलिक्यूल की कंपाउंड की एक इंडिविजुअल यूनिट की हैसियत को खत्म कर दिया। उसने कहा इंडिविजुअल यूनिट की कोई वैल्यू, इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल का मास तो नेगलिजिबल है भाई, इंडिविजुअल एक एटम का या इंडिविजुअल एक मॉलिक्यूल का, इंडिविजुअल एक कंपाउंड की कोई मास की वैल्यू नहीं है। तो उसने क्या कहा कि हम जो है ना जब भी एटम्स को पढ़ेंगे तो हम एक एटम या एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड को पढ़ेंगे, बल्कि हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स को।
एवोगैड्रो नंबर, ये नंबर उसने इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट से निकाला था, जो नंबर आपने स्कूल में सुना अभी है, व्हाट वाज द नंबर, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। अब मैं तुम्हें इसको खोल के लिख के दिखाऊं ताकि तुम इसकी हैसियत का अंदाजा हो। ये नंबर क्या है, 602, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये है ये नंबर। अकेले एटम की कोई वैल्यू, उसने कहा अब जब भी एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड यानी इस केमिस्ट्री के चीजों की बात होगी जिनकी अकेले की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसमें एक यूनिट की बात कभी भी नहीं करेंगे। हम कोई जब एटम कंसीडर कर रहे होंगे तो उसके इतने एटम कंसीडर करेंगे, इतने मॉलिक्यूल, क्योंकि एक एटम के मास की तो कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर वही इतने सैंपल हो गए, अब तो वैल्यू बनाएंगे ना भाई, ये वैल्यू ट्रिलियन से भी ऊपर है ना। जैसे हम लोग एक वर्ड बोलते हैं टीम, जब हम अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें तो अंडरस्टूड होता है ना कितने के साथ खिलाड़ी की बात हो रही है, 11। तो उसने क्या कहा, मोल का टर्म इंट्रोड्यूस कर दिया, मोल का। और पीछे बैकग्राउंड में कौन सा नंबर छोड़ा, ये नंबर, जिसको उसने नाम दिया एवोगैड्रो नंबर का। जैसे टीम स्टैंडर्ड है कि 11 लोगों की टीम होगी, जब टीम बोल रहे बताना ही पड़ता है। इसी तरह उसने कहा था एटम की जो हम कैलकुलेशन करेंगे, मॉलिक्यूल की कंपाउंड्स की कैलकुलेशन करेंगे, वी विल नॉट कैलकुलेट देम इंडिविजुअली, रादर वी कैलकुलेट देम इन टर्म्स ऑफ मोल्स। और मोल्स क्या है, अब आ जाओ, मोल्स क्या है, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वांटिटी। और अगर मैं पर्टिकुलरली डिफाइन करूं तो एवोगैड्रो ये कहता है किसी भी एटम के अगर इतने सैंपल हो, किसी भी एटम के कितने सैंपल हो, इतने सैंपल, कार्बन एक एटम नहीं, इतने कार्बन एटम, कार्बन डाइऑक्साइड एक नहीं, इतने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का एक कंपाउंड नहीं, इतने वाटर, तुम्हारा और मेरा एक सैंपल नहीं, नूर मोहम्मद इतने सारे, अवेश शाहिद इतने सारे, ये तो एक ही मनुष्य है, इतने सारे होते कयामत ही आ जाते। समझ में आ रही बात, किसी भी चीज के उसने ये टर्म, वैसे तो हम केमिस्ट्री में एटम और यानी मोल का टर्म एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड को अप्लाई करते हैं, लेकिन उसने क्या बोला कि किसी भी चीज के मोल की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया बाय कीपिंग दिस नंबर कांस्टेंट। उसने कहा किसी भी चीज के, मेरा चश्मा है, अब ये चश्मे के इतने सैंपल हो, आपके अल्लाह ना करे इतने सैंपल हो, किसी भी चीज के अगर इतने सैंपल हो, इतने यानी आमना, इतनी सारी आमना हो, ट्रिलियंस ऑफ आमना हो, है जी, या किसी भी छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी चीज के अगर इतने सैंपल हो, तो उसका कलेक्टिव मास, उसका कलेक्टिव वॉल्यूम क्या कहलाएगा, उस सब्सटेंस का एक मोल, उस सब्सटेंस का एक मोल। तो मोल को कैसे डिफाइन किया, अगेन समझना, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मोल एक रिप्रेजेंटेटिव है किसका, क्वांटिटी का। और इसको हम अपने, और कभी आपने अपने लिए या किसी बड़ी चीज के लिए मोल का टर्म सुना है, नहीं सुना। हम मोल का टर्म कहां के सुनते हैं, केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में, क्यों मेरे और आपके मोल की बात क्यों नहीं हो रही हो। हालांकि एवोगैड्रो तो कह रहा है कि अगर नूर मोहम्मद के भी इतने सैंपल हो जाए तो उसका भी कलेक्टिव मास नूर साहब का एक मोल कहलाएगा। लेकिन हमारे मोल की बात क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि भाई हमारा इंडिविजुअल मास ही वैल्यूएबल है ना, मेरा अकेले का मास सिग्निफिकेंट है ना, तो उसको बढ़ाने की जरूरत क्या है। मेरा अकेले का मास है, इस टेबल का अकेले का मास है, इस कैलकुलेटर का अकेला जो मास है, अकेला जो वॉल्यूम है, वो नेगलिजिबल है क्या, इग्नोरेबल है क्या, नहीं है। तो चूंकि इस कैलकुलेटर का इंडिविजुअल मास की वैल्यू है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो हम कह रहे हैं इसको बढ़ाने की जरूरत क्या है, इसलिए इस कैलकुलेटर के मोल के ऊपर बात नहीं हो रही, मेरे और आपके मोल के ऊपर बात नहीं हो रही, टेबल कुर्सी के मोल की बात नहीं हो रही। हालांकि चाहे तो हम कर सकते हैं, लेकिन सोचो इस टेबल के मोल का मतलब क्या है, इस टेबल के अगर इतने सैंपल हो, उनका कलेक्टिव मास इसका एक मोल कराएगा, उनका कलेक्टिव वॉल्यूम इसका एक मोल कराएगा। तो हम मोल की बात अपने स्केल पे क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे स्केल पे इंडिविजुअल यूनिट की वैल्यू है, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड में इंडिविजुअल यूनिट की वैल्यू नहीं है, क्यों, बिकॉज़ ऑफ देयर सो मच स्मॉलर साइज। देयरफॉर एवोगैड्रो ने क्या सॉल्यूशन दिया, हम इस नंबर को इतना, यानी एटम मॉलिक्यूल की हैसियत को इतना बड़ा करते हैं, और कितना बड़ा करते हैं, उसे स्टैंडर्डाइज किया इस नंबर पर, कि भाई किसी भी एटम की जब बात हो तो आपको लग रहा होता है कि आप पढ़ रहे हैं एक वाटर, असल में आप एक वाटर नहीं पढ़ रहे होते, आप एक मोल ऑफ वाटर पढ़ रहे होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि वाटर का मास कितना है 18 ग्राम, तो असल में वो एक वाटर का मास नहीं होता, वाटर के एक मोल का मास, यानी वाटर के इतने सैंपल्स का मास होता है। एंड दैट इज अंडरस्टूड कि अगर वाटर के इतने सारे मॉलिक्यूल्स ले लूंगा मैं, तो इसका मास 18 ग्राम जरूर बन सकता है। बात समझ में आ रही है। तो अगेन एक स्टूडेंट की हैसियत में क्या समझा हम लोगों ने कि मोल जो सर पढ़ा रहे हैं है क्या, मोल इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सवाल ये, तो क्वांटिटी को और भी चीजें रिप्रेजेंट करती है, तो फिर मोल क्यों। तो हमने कहा कि भाई बाकी चीजें जो किलोग्राम ग्राम यूनिट है, उन चीजों के लिए समाज कंसिडरेबल है,
लेकिन मोल यानी एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड इतने छोटे पार्टिकल इतने छोटे लेवल की डिस्कशन है कि जहां पर हम इन स्केल्स को संभाल रहे हैं उनकी वैल्यू कोई है नहीं। तो एवोगैड्रो ने क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम मोल्स एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड्स के लिए एक नया स्केल इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन सा, मोल का। और उसने इस स्केल में किया क्या, असल में उसने एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड की हैसियत को इंडिविजुअल यूनिट से खत्म कर दिया, उसने बढ़ाकर कहा जब भी एटम यूनिट की बात होगी टीम के तौर पर होगी, मोल के तौर पर होगी। और मोल के पीछे क्या फिगर खड़ा हुआ है, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। उसने कहा जब भी एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड या इस लेवल की किसी चीज की बात होगी हम उसके एक यूनिट को कंसिडर नहीं करेंगे, दो यूनिट कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। हम जब भी कंसिडर करेंगे उसके मास को, उसके वॉल्यूम को, कितने यूनिट्स के लिए लेंगे, 6.02 23 को। और इनका जो कलेक्टिव मास आएगा वो क्या होगा, उस सब्सटेंस का 1 मोल होगा, कलेक्टिव वॉल्यूम उस सब्सटेंस का 1 मोल होगा। आखिरी सवाल कि क्या मेरे और आपके लिए भी ये बात अप्लाई होती है, यस मेरे और आपके लिए भी ये बात अप्लाई होती है, मेरे और आपके इतने इतने सैंपल मिले तो उसका कलेक्टिव मास 1 मोल होगा। लेकिन हम क्यों नहीं लेते अपने मोल के, क्योंकि हमारे इंडिविजुअल वैल्यू जीरो थोड़ी है, हमारे इंडिविजुअल वैल्यू सिग्निफिकेंट है, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड इतने छोटे हैं कि उनकी इंडिविजुअल वैल्यू की हैसियत नहीं है, इसलिए हम उसको मोल की तरफ ले गए हैं। अगर हम और आप अपनी वैल्यू की बात करें तो हम चूंकि इंडिविजुअल यूनिट के तौर पर कंसिडरेबल है, इसलिए हमें अपने मोल के फॉर्म में अपने नंबर को मजीद कराने की जरूरत नहीं। जी मोल का मतलब क्या होता है, मोल के पीछे ये नंबर कांस्टेंट पड़ा हुआ है। अगर ऑक्सीजन का मोल है तो ऑक्सीजन के पीछे भी पार्टिकल होंगे, अगर वाटर का मोल है तो वाटर के भी इतने पार्टिकल होंगे। खुलासा ये कि हमने मोल्स की कैलकुलेशन में इस नंबर को स्टैंडर्डाइज किया है कि एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड की कैलकुलेशन इंडिविजुअल यूनिट में नहीं होगी, इतने फिगर के साथ होगी। ठीक है भाई, तो जब आप कार्बन डाइऑक्साइड का मास कहते हैं 44 ग्राम है और सर में वो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मास नहीं है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास है, क्लियर। शादमान बेटा जोर से बोलो, सारा सुल्तान, सारिम जब्बार, चलो गुड हो गया। जी हाँ, आप क्या सवाल, नहीं नहीं ऑक्सीजन का मास हम कहते हैं 16 ग्राम है, इसका मतलब है ऑक्सीजन के अगर हम इतने एटम्स ले लें और उन सब का मास जमा करें तो 16 ग्राम के बराबर बनेगा, सही है, 1 मोल इसके बराबर होगा, 1 मोल के बराबर एक मोल है ना, तो वो वैल्यू अगर मास की टर्म में बताएंगे तो ऑक्सीजन का एक एटम का मास तो हमें नहीं काउंट करना, ऑक्सीजन के अगर इतने सारे एटम्स का मास लेंगे दैट विल बी वो 16 बने। ठीक हो गया, अब मेरे बच्चे अगली बात सुनो, जो मैंने पहले भी बताई थी, अगर तुम मेरे साथ मोल ढंग से पढ़ लोगे ना तो ए लेवल में मोल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ए लेवल में तुम्हें मोल आता हो, क्योंकि जिस स्ट्रैटेजी से हम चलेंगे ना वो ए लेवल दो लेवल की कोई उससे ना डिपेंडेंट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि बड़ी स्मूथ सी स्ट्रैटेजी है और बहुत बेसिक सी है। पहले तो दिमाग को ही समझाओ कि मोल का कोई भी सवाल, ये ना मोल में कॉन्फिडेंट होना बड़ा जरूरी है। होता क्या है, सवाल आप पढ़ते हो बस हवा आपकी जो है ना वो खुश्क हो जाती है, आप बोलते हैं नहीं होगा मुझसे, क्योंकि आपने कभी न्यूमेरिकल जैसा चीज ने किए नहीं, और मैथ में तो पता नहीं क्या पढ़ते हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आती, जहां वेरिएबल सर डायरेक्ट आगे पीछे कर दें, डिवाइड डायरेक्ट कर दें, सर ये क्या हुआ, तो पता नहीं मैथ में क्या सीखते हो यार तुम, अल्लाह पता नहीं अल्लाह तुम लोगों को हिदायत दे। खैर नहीं, वो तो बेचारे सही पढ़ा रहे, तुम लोग लर्निंग है ही नहीं तुम लोगों की। अच्छा अब आ जाओ, तो बेटा मोल्स का जब आप टॉपिक पढ़ रहे होते हैं पहले तो समझ लो, चाहे ओ लेवल्स का मोल हो, ए लेवल्स का, इससे आगे का, पहले दिमाग को ये समझाओ, ये यकीन दिलाओ कि मोल्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो उसको सॉल्व करने के लिए टोटल 4 फॉर्मूले, कितने फॉर्मूले थे, टोटल 4 फॉर्मूले, चाहे ओ लेवल्स पढ़ो ए लेवल्स पढ़ो, 4 ही फॉर्मूले वही घूम घूम के अप्लाई होते हैं और उन्हीं से नए फॉर्मूले बनते हैं। तो हम नए फॉर्मूले पे जाएंगे, ड्राइव ड्राइव हमें करना ही नहीं है, हम बोलेंगे मैं 4 बेसिक फॉर्मूला में आते हूं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह भी रट लोगे। तो सबसे पहले हम वो 4 फॉर्मूले की बात करते हैं जो मोल्स में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, कोई भी मोल का सवाल होगा वो उन 4 में से ही किसी एक फॉर्मूले से होगा, और कैसे पता चलेगा किससे होगा वो भी सीख जाओगे। ठीक है बेटा, फिर भी हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। बच्चे ऑनलाइन वालों, कहां गया मेरा पेन यार, मोल्स के लिए अब हम आपको मोल्स चुके बता चुके हैं। अच्छा मैं मोल्स का ना एक लाइन में डेफिनेशन लिख दूं कि मोल्स क्या समझाया मैंने आपको, कहां गया भाई पेन, ऐसे है। तो मोल्स का हमने क्या समझा बेटा, मैं एक लाइन में स्टेटमेंट लिखूं, कलेक्टिव मास
और कलेक्टिव वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस is called one mole of that substance. Sara, tumhe baat samajh mein aa raha? Sara Sultan, Arisha. Okay. तो बेटा हमने ये स्टेटमेंट इसलिए लिख लिया कि बाद में सर आपने बताया इनके डायरेक्ट फॉर्मूले कराए थे कि किसी भी चीज के अगर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 पार्टिकल्स हो उसका कलेक्टिव अमाउंट उसका कलेक्टिव मास वॉल्यूम क्या कहलाएगा उसका एक मोल। अब मेरे बच्चों जैसा कि मैंने कहा मोल के अंदर टोटल कितने फॉर्मूले भाई साहब चार पहला फॉर्मूला पहले चारों लिख लेते चार फॉर्मूले लिख लो जल्दी से फॉर्मूले नहीं कराऊंगा पहला फॉर्मूला बेटा लिखिएगा मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्मूला कॉपी कीजिएगा बेटा मोल इज इक्वल टू और इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं जो मैं आप चार बता रहा हूं बस ये याद रखें मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 एवोगैड्रोस नंबर मोल इज इक्वल टू देखो आपके स्कूल में कोई भी फॉर्मूला पढ़ाओ अगर तो आपको अच्छे से आता है स्कूल में तो बेहतरीन नहीं आता तो उसको डिलीट करो दिमाग से बस अभी याद रखो मोल का पहला फॉर्मूला क्या है नंबर डिवाइडेड बाय नंबर उसको देखो गौर से जरा दिमाग को समझो ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 ये माइनस 23 नहीं है 23 है दूसरा फॉर्मूला बचिए मोल का वो फॉर्मूला है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एमआर और एआर स्लैश है मास अपॉन मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एआर यानी रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और अगर इस फॉर्मूले की खूबसूरती देखेंगे तो आपको दिखेगा कि पहले वाले फॉर्मूले में नंबर नंबर से डिवाइड हो रहा था हाँ ना बोलो और दूसरे वाले में देखो मास मास से डिवाइड हो रहा है यस और नो तो ये फॉर्मूला याद रखना भी आसान है कि एक फॉर्मूले में नंबर नंबर से डिवाइड होता है दूसरे फॉर्मूले में मास मास से डिवाइड होता है तीसरा फॉर्मूला जो बेटा मोल का है वो है मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखते हो तो वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब अपॉन 24 डेसीमीटर क्यूब और वॉल्यूम इन cm क्यूब अपॉन 24,000 cm क्यूब ये एक ही फॉर्मूला सिर्फ यूनिट की कन्वर्जन से अलग अलग लिखा है क्या है तीसरा फॉर्मूला वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब अगर डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो फिर 24 से डिवाइड करना है और अगर सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम है तो फिर 24,000 से डिवाइड करना है तो अगेन तीसरे फॉर्मूले में क्या देखेंगे हलीमा कि वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम है ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है एंड लास्ट चौथा फॉर्मूला व्हिच इज मोल इज इक्वल टू सीवी कॉन्सेंट्रेट थोड़ा डिटेल में लिख देते हैं सीवी तो बाद में बना ही लेंगे कॉन्सेंट्रेशन इंटू वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब ये है बेसिक फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेशन इंटू डेसीमीटर क्यूब concentration CV concentration into volume mole is equal to concentration into volume or concentration into volume in cm cube divided by 1000 concentration into volume agar dm cube mein hai to koi tension nahi hai aur concentration ke baad agar volume centimeter cube mein hai और चौथा फॉर्मूला मल्टीप्लीकेशन का है
Yes. तो तीन फॉर्मूले में डिविजन है और चौथे में मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि टाइम पूरा हो चुका है, इस वजह से आगे फिर हम लोग वेंसडे को करेंगे। वेंसडे को जो मॉलिक्यूलर ब्रेकर फॉर्मूले का होमवर्क सब लोग करके लेकर आएंगे, और करके लेकर आएंगे तो ही फिर इस क्लास में रखेंगे, और इस इंशाल्लाह इन चारों फॉर्मूले की हम प्रैक्टिस एक साथ भी अल्लाह ने चार को कर लेंगे, नहीं तो तीन को कर ही लेंगे। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हॉस्पिटल वो आपकी मर्जी है, लाइट वेट जला दो। एक क्लास में बता सकते।